एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित बराही गांव पड़ा। लगभग 12,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 37 किलोमीटर दूर तो बहिन ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 14 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान महसर जहां हैं, वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। लगभग 6800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राथमिक विद्यालय में लगभग 250 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। जब एबीपीएस न्यूज टीम ने वर्तमान प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में 1300 मीटर सीसी टाइल्स रोड, पानी की टंकी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 150 शौचालय तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 आवास का निर्माण भी कराया है। साथ ही साथ पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए गाँव में 150 हैंडपंप तथा विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए 300 विद्युत पोल, 8 विद्युत ट्रांसफार्मर व 70 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 150 आवास, पंचायत घर, सीसी टाइल्स रोड, शमशान घाट, स्वास्थ्य केंद्र, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय तथा पानी निकासी के लिए 4 किलोमीटर नाले के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। मेरा नाम कमरुद्दीन है, मैं ग्राम प्रधान महरजहां का पति बोल रहा हूं। जो भी राज्यसभा ग्राम का जो मेरे खाते में पैसे आए, मैंने उसके लगभग 16 ठंडे पानी के फ्रीजर गरीब लोगों में लगवाए, लगभग 13-14 रास्ते कराए, लगभग करीब 1400 मीटर मैंने रास्ते टहल के करा दिए, 150 सूर्य लाइटें लगवाई मेरे का। बाकी स्कूल में ना ही तो कोई गेट था ना कोई बाउंड्री थी, मैंने स्कूल की बाउंड्री कराई, गेट कराया, उसमें भराव डलवाया और बाकी उसमें समझ से भी लगवाए, शौचालय बनवाए, जो कि मैंने सारे काम। एक प्रॉब्लम है मेरे गांव में आज भी कि मुझे लगभग अगर दो हज़ार मीटर अगर मेरे गांव में नाला मिल जाए तो पानी की सारी टेंशनें खत्म हो जाएंगी, गांव की पानी तालाब पहुंच जाएगा जी। इसकी सबसे बड़ी संभावना यही है कि पानी की बहुत टेंशन है, तो रोड पे मेन रोड पे पानी चल रहता है जी। और हमारे गाँव में जैसे मोहम्मदनों के लिए अखिलेश यादव ने कब्रिस्तानों की बाउंड्री करा दी है जी। किसी भी क्रियाशाला का कोई बाउंड्री या क्रियाशाला में कहीं भी बनावा नहीं है हमारे यहाँ जी, जिससे कि 3 या 4 क्रियाशाला के मुझे मिल जाने चाहिए जी। मेरी योगी जी से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही रिक्वेस्ट है कि वो अगर मेरे गांव में क्रियाशाला और मेरे नाले का प्रबंध करें जी। और बाकी जो भी मैंने काम सोचा है, यही जो शपथ ली जाती है, मैंने शपथ अपनी बीवी के साथ खड़ा होकर सुना, मैंने सब कुछ जी, मैं उसी के हित में काम कर रहा हूँ। ये मेरा है कि योगी जी से कि मुख्यमंत्री हैं, मेरे गांव को लगभग 200 आवास अगर दे दें तो मेरे गांव में गरीबों की आसानी दूर हो जाएगी। मगर गरीबों ने मुझे उसमें दुआएं दे रहे हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि प्रधान जी ने आज तक किसी प्रधान ने ऐसा नहीं करा जो इन प्रधान जी ने किया। मेरी यही है कि मैं तो जहां तक भी हो सके गवर्नमेंट में तो पब्लिक की सेवा करने में लगा हुआ हूं, भले ही कोई मुझ पर आपत्ति लगाए या कुछ करे, मेरे आपत्ति की चिंता नहीं है। मेरे सारे कागज हो के, सारा काम हो के, सब कुछ मेरा कहना वैलिड है, एकदम कोई भी किसी काम में कमी नहीं है मेरी। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि गांव के वर्तमान प्रधान गांव में विकास कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन समय से धनराशि की किस्त न आने से विकास कार्य की रफ्तार धीमी पड़ी हुई है। मेरा नाम अल्ताफ है, मैं ग्राम बराही का रहने वाला। हमारे गाँव में प्रधान जी ने बहुत काम कराए हैं, तेरा प्याऊ बड़े वाले लगवाए हैं जिसमें का पानी की बहुत आराम किया है। फ्रीज लगवाए बड़े वाले प्रधान जी ने, और प्रधान जी ने बराई के अंदर बहुत काम कराया है।